तिलक जंजू राखा प्रपताका। आज है नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस और आज हम मौजूद हैं मोतीबाग गुरुद्वारे में। आइए जानते हैं वहाँ के हेड ग्रंथी जी से। अज सिख जात बहुत ही पवित्र धार्मिक दिहाड़ा है। सतगुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह महाराज जी का अज शहीदी गुरपुरब है, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और दिल्ली दी समूह संगतों वालों समूह सिख जगत वालों बड़े वड्डे पद्धर से मनाया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो लैके गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तक विशाल नगर कीर्तन हो रहा है। इस संबंध में ही कल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब लखी शारदा मंजारा हाल के अमृत वेले तो रात तक दीवान सजनगे, जिस गुरु घर के प्रसिद्ध रागी ढाडी प्रचारक साहबान संगतान गुरु इतिहास और गुरबाणी के नाल जोड़नगे। सो सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने इंसानियत की खातर धर्म की खातर उन्होंने अपना बलिदान दिता। जदों जरूरत पई तो उन्होंने अपना शरीर का बलिदान दिता, खास करके जदों जम्मू कश्मीर के औरंगजेब ने जुल्म करना शुरू किया और उत्थे खास करके हिंदुओं और ब्राह्मणों को परेशान करके इस्लाम के लिया चाहिया तो लोग परेशान होए। कृपा राम की अगुवाई के बहुत सारे ब्राह्मण कश्मीर के लोग इकट्ठे हो गए। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज शरण के आनंदपुर साहब आए तो सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने उन्होंने मां फड़ी और उन्होंने कह दिता कि जाओ जी औरंगजेब बादशाह कह दो कि जे वो सानू मुसलमान बना लैणगे तो असी सारे मुसलमान बन जावांगे। सो इन्हों हौसला मिलिया कृपा राम और उन्होंने सारे साथियों। सतगुरु पातशाह महाराज ने यह जो अपना बचन किया कृपा राम उन्होंने साथियों की बांह फड़ी, सतगुरु दाता ने उन्हें उस बचन पगाउंदिया होया सतगुरु दाता ने आके अपने माफ़ करना उन्होंने आके दिल्ली आके अपने बलिदान दिता शहीदी दी। उस तो पहला औरंगजेब बादशाह दे नाल कुछ गल्लां बातां वार्तालाप होया तो सतगुरु दाता ने औरंगजेब बादशाह नूं उन्हां दे जुल्म दे खिलाफ औरंगजेब बादशाह नूं कहा कि हे औरंगजेब तेरा यह जुल्म दे नाल कदे भी यह धर्म चलाया नहीं जा सकता। धर्म उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा अकाल पुरख अल्लाह परमेश्वर का चलाया हुंदा है और धर्म असल में इंसानियत सिखाउंदा है, पर तुसी इंसानियत तो उल्ट जाके बाहर जाके राजे धर्म है अपनी पब्लिक अपनी जनता की राखी करनी, पर तुसी अन्याय दे नाल ही राजगद्दी ते बैठे अन्याय दे नाल धर्म चला रहे हो। सो खैर सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने इस अन्याय के विरुद्ध अते हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते जिवें ये बचन आउंदे तिलक जंजू राखा प्रपताका किन्नो बड़ो कुलम साका धर्म हे साका जन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने 11 नवंबर 1675 चांदनी चौंक दिल्ली के शहीदी दी और उन्होंने नाल उन्होंने पहला भाई दयाला जी भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी शहीद किया गया। हम गुरुद्वारा मोतीबाग में मौजूद हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जी हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, उनमें से एक श्रद्धालु हैं वो उनसे पूछना चाहेंगे कि वो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शहीदी दिवस है वो किस प्रकार मना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे। सर सब तो बड़ी गल पहले तो गुरुद्वारे आके वाहगुरु जी के मत्था टेकी दा गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी सी अपने के नाम है पंथ नू बचाने लई हिंदू पंथ नू बचाने लई और उन्होंने कहा सी पहले मैनू के नाम है तुसी मेरा चेंज करो के नाम है तां बाकी करनगे, उहदे पिछे उन्होंने अपनी के नाम है शहीदी दी सी और उसी कारण साडा पंथ बचिया सारे के नाम है हिंदू सिख सब के नाम है गुरुद्वारे आके मत्था टेकदे ने उन्होंने शहीदी नू याद करते हैं और पूरी जोर शोर नाल मनाया जाता है। कीर्तन नगर निकलता है जिहड़ा कि नाम है गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो जाता है। आप अजकल की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे। डेफिनेटली पुराने यकीन करना चाहिए जो साढ़े के नाम है गुरुआ ने सानू दिते ने उपदेश दिते ने जो उन्होंने वचन ने उन्होंने याद करना चाहिए वो सामना चलना चाहिए। मेरा नाम है बनीत सिंह, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी वाइफ है गुरलीन कौर, ये हमारा बेबी है साथ में, हम आज गुरुद्वारे आए हैं शहीदी गुरुपुरब पे और हम गुरु की शरण में आराम से मत्था टेकेंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज नौवे पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी पुरब है तो सबको मिल बांट के मनाना चाहिए शांति स्वभाव से और मनुक्ता की रक्षा के लिए मनाना चाहिए। सबको ये चाहिए सिखों को कि सिखों में एकता बढ़े और सारे सिक्खी स्वरूप में रहें, अमृत छके गुरु साहिब का और सारे शांति से यह पूरब मनाएं। और मेरी ये सबसे विनती है कि गुरु साहब ने जो शहीदी दी थी वो सबके लिए ली थी, अपने धर्म के लिए नहीं दी थी, दूसरों धर्म के लिए ली थी। सबको ये चाहिए कि हम भारत में सारे मिल खुशी से रहें, सुख शांति से रहें, एक इकट्ठे रहें।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।